हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपसे बात करता हूँ एक और नए चैप्टर में, जिसमें हम मारने वाले हैं एक पार्टनर को। मर्डर हो जाएगा, बीमारी के कारण भी हो सकता है, किसी और कारणों से, बस ऐसा होगा कि पार्टनर मर जाएगा। क्या हुआ? पहले हमने पार्टनरशिप बनाई, एडमिट हुआ, फिर रिटायरमेंट कर दिया। आज हम पार्टनर का मर्डर करने वाले हैं, डेथ करने वाले हैं पार्टनर की। ठीक है, किस तरीके से पार्टनर मरता है जरा देखिए। अब मरने का कोई कॉज नहीं हो सकता, किसी भी कारण से मर सकता है और वह सभी वैलिड रीजन माने जाएंगे, क्योंकि एक आदमी मर गया है तो कितनी निर्दयता की बात है। वहाँ आदमी मर गया, यहाँ उसका अकाउंट मैच करा रहे हैं, बैलेंस शीट मैच करा रहे हैं, उसका कैश अकाउंट बना रहे हैं। पहले ये नहीं मैयत में जाएं तिरही खा के आए। चलो देखो, डेथ का मतलब मर जाना। अब पार्टनर कभी भी मर सकता है, साल के शुरुआत में भी मर सकता है और साल के एंड में भी मर सकता है। ठीक है, तो मैं आपका समय फालतू वेस्ट नहीं करूंगा। पहला अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे नॉर्मली बनता था वैसे ही बनाओगे। पीछे दो वीडियोस में आपको बता चुका हूं, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ही, कि किस तरीके से रिटायरमेंट या एडमिशन में रिवैल्यूएशन बनता है। तो इसके रिवैल्यूएशन में कोई और खास चेंज नहीं आने वाला। इसमें जो मेन खेल होगा वो होगा पार्टनर मर गया है उसका अकाउंट, किसका अकाउंट। तो बच्चे, इस चैप्टर में यही एक इंपॉर्टेंट अकाउंट भी है जो बनाना तुम्हें आना चाहिए। बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, वो सब नॉर्मल एडमिशन रिटायरमेंट से जैसे चल रहा था वैसे ही है। तो इसको फालतू में हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो है आपका डिसीज पार्टनर अकाउंट। क्या है बच्चा? या डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो डाइड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहली एंट्री आएगी बाय बीडी। क्या आएगी बच्चा? क्लियर है बात? हाँ या ना? उसके बाद सेकेंड एंट्री बाय आईओसी। क्या आएगी? कभी कभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता देता है कि उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो आईओसी याद रखिएगा, मंथ वाइज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जितने मंथ उसने काम किया। देखो होता क्या है, जैसे 1 अप्रैल को हमारा ईयर शुरू हो गया और 30 सितंबर को कोई पार्टनर मर गया। 30 सितंबर को कोई पार्टनर, तो मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीने उसने काम किया या नहीं किया, तो उसे इन 6 महीने का आईओसी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज मंथ कैलकुलेट करने के बाद ही आईओसी दीजिएगा। डाउट है? और ये बहुत रेयर केस होगा कि 1 अप्रैल कोई पार्टनर मरे या 31 मार्च कोई पार्टनर मरे। ठीक है, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस मिलता है, नहीं तो पार्टनर हमेशा किसी ना किसी 30 जून को मरता है या 30 सितंबर को मरता है या 1 नवंबर को मरता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उतने दिन का निकाल लेना। आप जैसे मान लो 15 जून को मर गया, तो अप्रैल, मई और जून के 15 दिन, तो 2.5 महीने होगा, ऐसे ले लो 2.5 मंथ। ठीक है बच्चा, इसके बाद तीसरी एंट्री बाय, अगर रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है तो वो आ जाएगा क्या? गेन ऑन रिवैल्यूएशन। जो मरा है सिर्फ उसी का निकालते जाएंगे। ठीक, चौथी एंट्री बच्चा बाय रिजर्व। बाय जो मरा है उसके हिस्से में कितना रिजर्व आएगा? सिर्फ वही। ठीक, बाय पीएल, अगर कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो, तो जो मरा है उसके हिस्से में कितना आएगा वह। इधर अगर एसेट साइड में गुडविल पड़ी है, ठीक है, नहीं है तो वह, कोई दिक्कत है? कौन सी? बैलेंस शीट वाली। कौन सी वाली गुडविल है ये? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर उधर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, क्या पड़ा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, पीएल रिजर्व चेक करते हो नहीं करते हो? तो इसी के साथ में लिख देते हैं पीएल। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हुए आप एक बात समझो कि ये जो मर रहा है, मान लो जेड मर गया है, ठीक है ना, तो जेड हमारी कंपनी में पार्टनर था, तो इसकी भी कुछ हिस्से की गुडविल होगी या नहीं होगी? तो सिंपल सा वही पंडा, गुडविल देने की जनरल एंट्री कल रिटायरमेंट में मैंने आपको क्या बताई थी? टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या बताई थी बच्चा? हाँ या ना? तो अब यहाँ क्या हो जाएगी? डाइड पार्टनर। क्या हो जाएगा बच्चे? और डेबिट में कौन हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर। कौन हो जाएगा? जिनको गेन हो रहा हो। तो सपोज एक्स और वाई को गेन हो रहा है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? बाय एक्स कैप और बाय वाई कैप। ठीक है, याद रखना ये क्या दी जा रही है इसको? गुडविल गिवन। डाउट है? और इधर पोस्टिंग
नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट इधर नहीं बन रहा है। कल जब हम बना रहे थे तो हम तीनों का बना रहे थे कैपिटल अकाउंट, तो एक्स और वाई में हमने दिखाया था, पर यहां तो सिर्फ जेड का ही बन रहा है। किसका बन रहा है? तो अगर आप जनरल एंट्री देखो तो क्या पास हुई होगी? टू जेड कैप और डेबिट में एक्स कैप, यही हुई होगी नहीं हुई होगी? तो जेड के अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सिर्फ जेड का बना रहे हैं, तो जेड के क्रेडिट आके एक्स और वाई। क्लियर है? इसके हिस्से की गुडविल भी इसको दे दी। अब एक बात समझो, कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज बताता है, एक पार्टनर था वो मर गया, अप्रैल से साल शुरू हुआ, अब वो 30 जून को मर गया। बेटा कब मर गया? तो बताओ अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून, इस तीन महीने फर्म ने काम किया होगा या नहीं किया होगा? तो इस तीन महीने में फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा या नहीं कमाया होगा? कमाया होगा। लेकिन हम तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा साल के एंड में मनाते हैं। कब बनाते हैं? और वो तो 30 जून को मर रहा था। उनसे कहा सुनो 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 31 मार्च अगले साल तक जिंदा रह जाओ यार, पीएल बनाने में आसानी हो जाएगी। नहीं ना, वो तो अभी मर गया ना। क्लियर है? तो जब वो मर गया है तो इस तीन महीने में फर्म ने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, और इस प्रॉफिट में उस पार्टनर की हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी? होगी। तो इस तीन महीने का प्रॉफिट उस पार्टनर को जब हम देंगे तो हम किस एंट्री से देंगे? अगर मान लो प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो हम यहां लिख देंगे बाय पीएल सस्पेंस। क्या लिखेंगे? पीएल सस्पेंस। बच्चा याद रखना, आपको इसके नीचे लिख के समझा दे रहा हूं क्या है ये, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ, टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है या नहीं? उसका हिस्सा जितना हो वो निकाल के उसको दे दो। अगर लॉस हुआ होगा तो बच्चे ये इधर आ जाएगा, टू पीएल सस्पेंस। क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में क्या लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, लॉस क्या बचा, टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन से ईयर शुरू हुआ और जिस दिन तक वो मरा उस पीरियड का जो लॉस है वो निकाल के आप इधर पोस्ट कर दोगे। क्लियर है? अब ये लॉस कैलकुलेट करने की आपको एडजस्टमेंट बताता है। क्या बताता है? लॉस कैलकुलेट करने की आपको, हाँ। तो कभी कभी कह देता है कि मान लो कि जितना प्रॉफिट पिछले साल था उतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा, जितना प्रॉफिट उतना ही प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि इस साल भी होगा। तो जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा पहले आप उसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। भवानी, जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा पहले आप उसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां जून में मर रहा है तो अप्रैल मई जून, तो हमारे पास पिछले साल का 1 लाख का प्रॉफिट है। कितने साल का कितना प्रॉफिट है? तो पहले हम इसे 3 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? क्लियर है? 1/20 ले लेते हैं, चलो कैलकुलेशन इजी हो गई। 30,000 आ गया 3 महीने का प्रॉफिट। अब इस 3 महीने के प्रॉफिट में जेड का हिस्सा 1/3 है। कितना है? 1/3। तो जेड के हिस्से में कितना निकल के आएगा? समझे या नहीं समझे? डाउट है? तो ये एडजस्टमेंट को ध्यान से रखना। और डेथ में कुछ नहीं है, नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे एडमिशन रिटायरमेंट की थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके आप चेकआउट कर लीजिए, सभी वीडियोस चैप्टर वाइज आ चुकी हैं। क्लियर है बात? अगर इसके बाद हम करेंगे इसका टोटल, क्या करेंगे बच्चा? अब टोटल करने के बाद इधर के अमाउंट को टोटल करके इधर के अमाउंट माइनस करने के बाद अगर बैलेंस इधर बचता है, कहां बचता है? बैलेंसिंग फिगर। तो इसको आप क्या कहोगे बच्चा? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू जेड एग्जीक्यूटर। क्या लिखोगे? जेड का बना रहे, पर ये जेड के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एग्जीक्यूटर कौन होता है? नॉमिनी कौन होता है? जैसे मैं हूं पंडित कॉमर्स क्लासेस का मालिक हूं, कल को मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाता हूं, तो मेरा जो भी फंड वगैरह मिलेगा वो मेरे पिताजी को मिल जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि मेरे नॉमिनी वो हैं। जैसे आप इंश्योरेंस फॉर्म भरते हो तो आप किसी को अपना नॉमिनी बताते हो, नहीं बताते हो कि हमारे जगह पर अगर हमें कुछ हो जाता तो ये किसको मिल जाए? इसको। वैसे ही जेड के बेटे को मिल सकता है, जेड की बीवी को मिल सकता है, कोई भी हो सकता है एग्जीक्यूटर। कौन हो सकता है एग्जीक्यूटर? इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट जेड ऑन बिहाफ ऑफ। अगर इस साइड बच गया तो इधर भी बाय जेड एग्जीक्यूटर। क्लियर है? हाँ या ना? बैलेंसिंग फिगर जिधर भी बचे वो किस में डल जाएगा? एग्जीक्यूटर। स्कूटर मत लिख के आना, एक बार हम स्कूटर लिखा है, ठीक है? एग्जीक्यूटर किसमें लिख के आएंगे? जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, और जनरल तो फिर आप रिवर्स करके बना ही लोगे ना। चलो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।